नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं राहुल रंजन स्टडी इंडिया अड्डा डिजिटल वेब लर्निंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 2 मार्च। 2 मार्च से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आज के दिन से बनते हैं, पूरा इस वीडियो में देखेंगे विथ फुल डिस्क्रिप्शन के साथ देखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। प्रत्येक दिन इस चैनल पर इसी तरह के करंट अफेयर्स मॉर्निंग में मिलते रहेगा। दोस्तों, एक बात और बता देना चाहता हूँ, इस चैनल पे कंटिन्यू क्लासेस चल रहा है। अभी जो एएलपी साइको का टेस्ट होने वाला है दोस्तों, और साथ ही साथ एनटीपीसी का जो वैकेंसी आया है उसका क्लासेस कंटिन्यू चल रहा है। मैथ जीके का क्लासेस कंटिन्यू चल रहा है, इसलिए इस चैनल पे जो है जा करके वीडियो से इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जा करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, देख सकते हैं। स्पेशली महत्वपूर्ण टॉपिक सेलेक्ट करके इस चैनल पे प्रोवाइड कराया जा रहा है, और जो स्टूडेंट इस चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है, जितना जल्द हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें, ताकि मैं जितने महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराता हूं उसका सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करने की कोशिश कीजिए, ताकि हर किसी को फायदा हो सके। चलिए आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय कैबिनेट, ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय कैबिनेट ने कितने वर्ष की उम्र होने पर बच्चों को आधार रद्द करने का अधिकार देने वाला अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। बहुत ही चर्चित न्यूज रहा था ये दोस्तों, केंद्रीय कैबिनेट ने कितने वर्ष की उम्र होने पर बच्चों को आधार रद्द करने का अधिकार देने वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। जिस क्वेश्चन का आप लोग आंसर जानते हैं बेशक होकर के आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन का वैसे राइट आंसर 18 वर्ष हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट ने 18 वर्ष की उम्र होने वाले बच्चों को आधार रद्द करने का अधिकार देने वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। यह अध्यादेश दोस्तों बैंक खाते खोलने और सिम कार्ड लेने के लिए आधार के स्वैच्छिक इस्तेमाल की मंजूरी देता है, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर सरकार की नौकरियों व शैक्षणिक संस्थानों में संस्थान सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण से संबंधित अध्यादेश को मंजूरी दिया है। ये दिया है दोस्तों 10% का, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आपको बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर सरकार की नौकरियों व शैक्षणिक संस्थानों में सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण से संबंधित अध्यादेश को मंजूरी दिया है, ठीक है। यहां पे 10% आरक्षण मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, थर्ड नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, केंद्रीय कैबिनेट ने 28 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के आगरा और किस शहर में मेट्रो रेल परियोजना को मंजूरी दिया है। दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कानपुर, ठीक है। आपको बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट ने 28 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के आगरा और कानपुर में मेट्रो रेल परियोजना को मंजूरी प्रदान किया है। आगरा में 8,379 करोड़ रुपए में 2 लाइन तैयार किया जाएगा, जिसमें एक 14 किलोमीटर लंबी लाइन ताजमहल के पूर्व गेट से सिकंदरा तक बनाई जाएगी, ठीक है। दोस्तों ये परियोजना जो है कानपुर में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कानपुर शहर में यह परियोजना लागू हुआ है। दोस्तों फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, डेली आप लोग हैबिट बना लीजिए, किसी टाइप के करंट अफेयर्स को देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्न में से किस दिवस पर साल 2016-17-18 के लिए 34 वैज्ञानिकों को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र प्रतिष्ठित शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया है। यह है दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बता दे दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर 2016-17-18 के लिए 34 वैज्ञानिकों को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रतिष्ठित शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किया जो है प्रदान किया है। प्रधानमंत्री ने कहा भी है कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान नए भारत का रास्ता बने, इसके लिए ऐसे पुरस्कार जो है अहम भूमिका निभाती है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अग्रसर करते हैं,
फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन है, केंद्रीय सड़क परिवहन नितिन गडकरी ने बिहार के छपरा और मधेपुरा में 6,943.04 करोड़ रुपए मूल्य की कितनी राजमार्ग परियोजना का शिलान्यास किया है। बहुत ही अच्छा न्यूज है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत चर्चित में रहा था शिलान्यास जब हो रहा था। तो इसका जो है करेक्ट आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 16। ठीक है दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार के छपरा और मधेपुरा में 6,943.04 करोड़ रुपए के मूल्य से 16 नए राजमार्ग परियोजना का शिलान्यास किया है। इसके अलावा उन्होंने नमामि गंगे योजना के तहत 2826 करोड़ रुपए की नई परियोजना का शिलान्यास व उद्घाटन भी किया था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 16 नए राजमार्ग का। सिक्स नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2016 के लिए सम्मानित किया गया। ये है दोस्तों, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर ऋषिकेश नारायण। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एम्स बेंगलुरु के डॉक्टर ऋषिकेश नारायण एवं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के डॉक्टर अमलेंदु कृष्ण समेत 11 वैज्ञानिकों को जो है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2016 से सम्मानित किया है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, सेवंथ नंबर क्वेश्चन। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर लॉन्च की गई योजना का नाम क्या है। दोस्तों उस योजना का नाम है अस्टार्स, STARS। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने STARS स्टार्स योजना लॉन्च किया है। इस योजना को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी 28 फरवरी के अवसर पर लॉन्च किया है। STARS स्टार्स का पूरा नाम भी कभी कभी पूछ लिया जाएगा, इसलिए इस योजना को याद कर लें, इस योजना का फुल फॉर्म भी आप लोग देख लें। STARS का फुल फॉर्म है दोस्तों, स्कीम फॉर ट्रांसलेशनल एंड एडवांस रिसर्च इन साइंस। ध्यान दीजिएगा फिर से, स्कीम फॉर ट्रांसलेशनल एंड एडवांस रिसर्च इन साइंस। इसका मेन उद्देश्य है दोस्तों कि वैज्ञानिक शोध प्रोजेक्ट के लिए फंड को प्रदान करता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एट नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने हाल ही में अबू धाबी में किस वैश्विक सम्मेलन को बतौर सम्मानित अतिथि संबोधित किए। बहुत ही चर्चित न्यूज में रहा है दोस्तों, ये न्यूज बहुत हाईलाइटेड न्यूज रहा है, इसे आप जो है दिमाग में फिट कर ले, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह है दोस्तों ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, IOC। ठीक है दोस्तों, इस्लामिक देशों का संगठन है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस्लामिक देशों के संगठन IOC के मंच से आतंकवाद के खिलाफ स्वर मजबूत करने को करते हुए कहा कि IOC समेत विश्व समुदाय को आतंकवादियों के ठिकानों को खत्म करने और उन्हें संरक्षण तथा धन देने पर रोक लगाने के लिए आगे आना चाहिए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, नाइन्थ नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है दोस्तों, सरकार द्वारा देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण और उनके तेजी से इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए किस योजना के दूसरे चरण को मंजूरी दी गई है। उस योजना का नाम है दोस्तों ऑप्शन बी FAME इंडिया, फेम इंडिया इस योजना का नाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो है केंद्रीय व मंत्रिमंडल ने देश के इलेक्ट्रिक वाहन के विनिर्माण और उन्हें तेजी से इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए FAME फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण को जो है मंजूरी दे दिया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, फेम इंडिया। एंड द लास्ट क्वेश्चन आ जाइए, टेंथ नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए दोस्तों। एकीकृत बायो इथेनॉल परियोजना को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस योजना को मंजूरी प्रदान किया है। इस योजना का नाम है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जी वन योजना।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने प्रधानमंत्री जीवन जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल निवारण योजना है दोस्तों, इसका जो है मंजूरी मिल गया है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जीवन योजना। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोग इस सेशन को अच्छे से एंजॉय करते हुए स्टडी किए होंगे। इसी तरह के करंट अफेयर्स आपको डेली मिलता रहेगा मॉर्निंग में, इस चैनल को जरूर देखा कीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए दिल से एंड दोस्तों के साथ शेयर करने की कोशिश कीजिए ताकि हर किसी को फायदा हो सके। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन जरूर ऑन कर लें ताकि मैं जितने महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराता हूं उसका पल पल का अपडेट आप तक पहुंच सके। एक बात और बता देना चाहता हूँ कि आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ, फ्री में पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए। तो टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।